जल्दी तो जल्दी चैनल नूं सब्सक्राइब कर लो ताकि तुहानूं वधिया तो वधिया अपडेट्स मिलदियां रहण ते बैल आइकन नूं प्रेस करना बिल्कुल भी ना भुल्लिओ। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत बीते दिन देशद्रोह दे मामले दे विच मुंबई पुलिस सामने अपने बयान दर्ज करवाउण गई सी, जिस तों बाद कंगना भोपाल फिल्म दी शूटिंग दे लई चली गई। उसने ट्वीट किया कि जे तुसी राष्ट्रवादी हो तो तुहानूं इकल्ले रहना पवेगा। कंगना रनौत ने कहा कि जे तुसी भारत विरोधी हो तो तुहानूं बहुत सारा समर्थन काम अते पुरस्कार ते प्रशंसा मिलेगी। जे तुसी राष्ट्रवादी हो तो तुहानूं इकल्ले ही खड़ा होना पवेगा। तुसी अपनी सहायता प्रणाली ले सकते हो अते अपनी ईमानदारी दी खुद शलांघा कर सकते हो। पुलिस दे पुछगिछ तो बाद मैं भोपाल दी शूटिंग ते जा रही हां। CRPF दे जवानां दी Y+ श्रेणी दी सुरक्षा च कंगना रनौत अपनी भैण रंगोली चंदेल दे नाल दोपहर 1 बजे दे करीब मुंबई उपनगर दे बांद्रा थाने पहुंची सी। कंगना रनौत अते रंगोली करीब 2 घंटे थाने दे विच रहियां। सूत्रां अनुसार रंगोली दा बयान दर्ज नहीं कीता जा सकिया अते कंगना नूं दोबारा पुछगिछ लई बुलाया जा सकदा है। अधिकारी ने कहा है कि बांद्रा पुलिस ने अक्टूबर च उन्हां दी टिप्पणी राही भाईचारे च नफरत फैलाउण दे दोष च कंगना अते उसदी भैण रंगोली चंदेल दे खिलाफ FIR दर्ज कीती सी अते अदालत ने पुलिस नूं कंगना रनौत अते उसदी भैण दे खिलाफ जांच दे निर्देश दिते हन। यानी एक कहा जा सकता है कि कंगना अते रंगोली दोनों भैणा ही लोकां दे विच नफरत फैला रहियां सन अते सोशल मीडिया ते अपनी पोस्टां दे राही फिर कूतड़ा पैदा कर रहियां सन, जिस दे चलदे हुण कंगना रनौत अते उन्हां दी भैण रंगोली दोनों जणियां ही काफी ज्यादा विवादां दे विच घिर चुकियां हन, जिस नूं लै के कंगना रनौत हुण काफी गंभीर भी नजर आ रही है। कंगना रनौत दे कुछ समय पहला कुछ बयान आए सन जिन्हां नूं देखण तों बाद पता लग रहा है कि FIR दर्ज होण तों बाद कंगना रनौत हुण काफी ज्यादा सीरियस नजर आ रही है। जल्दी तो जल्दी चैनल नूं सब्सक्राइब कर लो ताकि तुहानूं वधिया तो वधिया अपडेट्स मिलदियां रहण ते बैल आइकन नूं प्रेस करना बिल्कुल भी ना भुल्लिओ।